खीर तो ना फंसे दाँत में, लेकिन दे दे खाना कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल चूज करना में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं उन लोगों को हमारी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज नवरात्रि का नौवां दिन है, तो नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और इनकी पूजा अर्चना से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती है। सो गाइस, आप देख सकते हो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं थावे देवी की जो माता हैं उनके दर्शन पूजन के लिए। और आज नौमी भी है तो घर में भी बहुत सारा काम है। हमने 9 दिन का फास्ट भी रखा था, तो घर में कुंवारी पूजन हवन और सभी पूजा पाठ करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मॉर्निंग में जल्दी निकल जाएंगे, तो फिर उधर से हम लोग वापस भी जल्दी आ जाएंगे। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। वहाँ बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है और फिर वहाँ लाइन में लगना पड़ता है, तो उसमें तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा। तो फिर देखते हैं, वहाँ जाने के बाद मैं आपके साथ वहाँ का दृश्य भी शेयर करने वाली हूँ। बट सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। वहाँ तो खुद का शरीर संभालना मुश्किल होता है, तो फ़ोन वगैरह कौन संभालता है। बट मैं आप लोगों के साथ छोटा छोटा क्लिप जरूरी से वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक ज़रूरी देखें। और आज काफ़ी गर्मी भी है, तो चलिए देखते हैं फिर क्या क्या होता है। और तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूरी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। भाभी आप मत बोलिएगा। खीर तो ना फंस गए जहीं दांत में, लेकिन दे दे खाना। ध्यान में आई था बैठा।
अच्छा लग रहा है। माता जी बनी है ना, फोटो खींच रही है ना, मम्मी लाइए ना, देखिए मम्मी मम्मी पिकना है। सो गाइस, ब्लॉग में आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होगा, चलिए मैं उसे दूर कर देती हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि कुंवारी पूजन के लिए 9 या 11 कन्या की पूजा होती है, बट मुझे 9 या 11 कन्या मिली नहीं है, मिल तो रही थी बट वो हमारे से छोटे कास्ट की थी, तो फिर दादी माँ ने मना कर दिया। और ये जो 2 कन्या मिली हैं ये हमारी भांजी हैं, हनी और एप्पल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन्हीं का पूजन कर लेती हूँ और इन्हीं को भोजन करा देती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग इस बात को इग्नोर कर देना, मुझे 2 ही कन्या मिली है इसलिए मैं 2 ही कन्या का पूजन कर रही हूँ। आवा आवा, स्टॉप।